पाक सेना के खिलाफ कारगिल की जंग में देश को जीत दिलाने वाले एक सेवानिवृत्त सूबेदार अब वृद्धा आश्रम में रहने के लिए मजबूर हैं। मामला हरियाणा के सोनीपत जिले का है। यहां के मयूर विहार में रहने वाले रिटायर्ड सूबेदार पारिवारिक जंग हार गए हैं। परिवार के लोगों की उत्पीड़न से तंग होकर वह अपनी पत्नी शुकंतला देवी के साथ 5 दिन से वृद्धा आश्रम में रह रहे हैं। रिटायर्ड सूबेदार सूरजभान ने बताया कि उनकी कोई संतान नहीं है और इसलिए परिवार की एक बच्ची को गोद लिया था, जिसकी सूरजभान ने कई साल पहले शादी कर दी। अब सूरजभान व उनकी पत्नी शुकंतला का जीवन नरक बन गया है। मेरी हाजोर के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से विनती है कि मेरा नाम सूरजभान सिंह है। मैं आर्मी से सूबेदार मेजर रिटायर हूँ। 2.5 साल देश की सेवा की है। 2.5 साल के बाद मैंने एक मकान बनाया है, जो मेरी 65 साल की मेहनत का और फौज की द्वारा जो मेहनत की थी या नौकरी की थी उसके बदले में जो मिला था उससे। उसके ऊपर मेरे छोटे भाई का लड़का देवीलाल, उसकी पत्नी सीमा जबरदस्ती मेरे घर में रहते हैं और मेरे साथ मारपीट करते हैं, बद्दी बद्दी गाड़ियाँ देते हैं, मुंह पे थूक के जाते हैं और कहते हैं तेरे को यहाँ से उठवा देंगे या तेरे घर खाली कर दे, हमारे नाम करवा दे और तुम कहीं नहीं रहो। तो हमें आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए ये वृद्धा आश्रम का आनंद जीओ के उसका सहारा। तो मेरी प्रार्थना है कि हमारी मदद की जाए, हमारी मदद की।